नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आकाश कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल क्रिक आकाश। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है फिर से एक नए ब्लॉग में। तो गाइस, आज का जो ब्लॉग है काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज मैंने मंगाया एक न्यू स्मार्टफोन जिसकी डिलीवरी अभी कुछ ही देर में हम लोगों को मिलने वाली है। सो उसको अभी मोबाइल को लेते हैं और उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कौन सा स्मार्टफोन है, क्या स्पेसिफिकेशन है और कितना प्राइस है, सारा कुछ आप लोगों को इसमें मिलने वाला है। सो काफ़ी इंटरेस्टिंग ब्लॉग होने वाला है। और सो गाइज़, अगर पहली बार चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए, जिससे कि आगे आने वाली वीडियोज़ आपको अपने डिवाइस पर मिल सकें। सो चलिए हम लोग डिलीवरी लेने चलते हैं। तो फाइनली गाइज, आप लोगों ने देखा कि हमें हमारे फोन की जो डिलीवरी है वो मिल चुकी है और अभी हम इसको अनबॉक्स करने वाले हैं। और मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ इस फोन को लेकर। कैसा होने वाला है ये फोन, क्या है स्पेसिफिकेशन और क्या है प्राइस, सारा कुछ आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और ये है मेरा फोन का बॉक्स, अभी मैंने अनबॉक्स नहीं किया इसको, अभी अनबॉक्स करूंगा और दिखाऊंगा किस तरीके का फोन है। और सो चलिए स्टार्ट करते हैं। और गाइज, अनबॉक्स करने से पहले बता दूं, ये कोई प्रोफेशनल अनबॉक्सिंग नहीं है, मैं कोई अनबॉक्सिंग नहीं करता हूँ, ये मेरा पर्सनल फोन है। सो मैं आप लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, इसको आप लोगों को दिखाऊंगा किस तरीके का फोन है। सो प्लीज आप लोग थोड़ा कॉपरेट करना और वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक जरूर कर देना। सो गाइज, फाइनली अब हम लोग अनबॉक्स करते हैं अपने इस फोन को और जल्दी से देखते हैं। काफी एक्साइटेड हूँ मैं तो इस फोन को लेकर, काफी अमेजिंग होने वाला है ये फोन। और चलिए अनबॉक्स करते हैं और आपको दिखाते हैं किस तरीके का फोन है। और गाइज, हो सकता है कि आपको वॉइस क्वालिटी थोड़ी सी डाउन जरूर मिल रही होगी, बिकॉज फैन चल रहा है और गर्मी बहुत ज़्यादा है। मैं रूम के अंदर हूँ तो गाइज़ आप लोग खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस वक्त बिना पंखे के बैठा नहीं जा सकता रूम के अंदर। सो चलिए अनबॉक्स करते हैं इस फोल्डर से इसको। और ये और ये आ गया ब्रांड न्यू वीवो Z1 Pro, जिसको कि Z1 Pro भी कहते हैं। और ये फोन, और गाइज ये जो फोन है वो 3 जुलाई को लॉन्च हुआ था और 11 तारीख को इसकी जो पहली सेल थी, परसों इसकी पहली सेल थी और मैंने परसों फर्स्ट सेल में इसको बुक किया था। और आज ये 13 जुलाई है, 13 जुलाई को तीसरे दिन ही इसकी डिलीवरी हो चुकी है गाइज, काफ़ी फास्ट डिलीवरी हो चुकी है फ्लिपकार्ट की। और जल्दी से इसको अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं कैसा होने वाली फोन Z1 Pro। और इसकी जो ऊपर रैपिंग है पॉलीथीन की, इसको हटा देते हैं जल्दी से। और गाइस, जैसा कि आप लोगों को मैंने पहले ही बता दिया था, ये कोई प्रोफेशनल अनबॉक्सिंग नहीं है, तो प्लीज थोड़ा कोऑपरेट कर लेना। गाइस जल्दी से देख लेते हैं, इसके पीछे कुछ हाईलाइट मेजर पॉइंट हैं। इसका जो क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का 712 प्रोसेसर है, जो कि पहली बार इंडिया में किसी फोन के अंदर लॉन्च किया गया है। और 32 मेगापिक्सल इन डिस्प्ले सेल्फी कैमरा, भी दिखाते हैं आपको इन डिस्प्ले सेल्फी कैमरा कैसा होता है। और 5000 mAh की बैटरी है जो कि 18 वॉट के फास्ट चार्जर के साथ आती है। और ट्रिपल रियर कैमरा, गाइस मुझे इसमें जो प्राइमरी मेरी नीड थी वो शायद इस फोन में पूरी हो गई है। मुझे एक फास्ट प्रोसेसर चाहिए था, एक लंबी बैटरी चाहिए थी और जो कैमरा होना चाहिए था वो एक अमेजिंग कैमरा सेल्फी और पीछे रियर कैमरा भी होना चाहिए था अच्छा। सो गाइस, वो तीनों चीज़ें इस फोन के अंदर मुझे मिल चुकी हैं। सो जल्दी से इसके बॉक्स को ओपन करते हैं और आपको दिखाते हैं कि कैसा होने वाला है ये फोन। सो गाइस, ये हमने इस बॉक्स को ओपन कर दिया। और इस पैकेजिंग का जो कलर है यार, वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग सा लग रहा है। इस पर हल्की सी लाइनिंग और गजब का ये वीवो की ब्रांडिंग इसके ऊपर। और आई थिंक इसमें होने वाला है हमारा केस, जी हाँ, इसमें एक TPU केस है ट्रांसपेरेंट वाला, ये आप लोग देख सकते हैं। क्वालिटी भी ठीक ठाक सी लग रही है। और उसके बाद में कुछ यूज़र मैनुअल, ये गाइड, इसको भी अभी फ़िलहाल कर देते हैं साइड में। और इसके अंदर तो कुछ है नहीं, सो इसको कर देते हैं फिलहाल साइड में। और इसके बाद हमारा जो है वो आ चुका है मेन फोन,
इसको भी अभी हम 2 मिनट के लिए रखते हैं साइड में और देख लेते हैं और क्या क्या है इसके अंदर। ये IMEI नंबर और इसके अंदर है सिम इजेक्टर टूल और उसके बाद में ये USB 2 माइक्रो USB की केबल और एक 18 वॉट का फास्ट चार्जर। इसको भी अभी रखते हैं साइड में। और गाइस सबसे अच्छी चीज़ इसके साथ में ईयरफोन आता है जो कि अभी शाओमी और बाकी डिवाइसेस के साथ में नहीं आता है। ओप्पो और वीवो की ये खासियत है कि इसमें ईयरफोन आप लोगों को साथ में ही मिल जाते हैं। तो इसको भी करते हैं साइड में और हम जल्दी से अपने फ़ोन को है जो उसको ओपन कर लेते हैं। और जैसा मैंने सोचा था उससे काफ़ी ज़्यादा अच्छा फ़ोन है गाइज। आप लोग देख सकते हैं पीछे की फिनिशिंग और किस तरीके से ये इसका जो बैक है किस तरीके से शाइन कर रहा है। हालांकि ग्लास बॉडी नहीं है ना ही मेटल है, ये पॉलीकार्बोनेट है, लेकिन फिर भी इसकी जो फिनिश है मुझे काफ़ी अच्छी लग रही गाइज। और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस फ़ोन को लेकर। और पीछे आप लोग देख सकते हैं कि ट्रिपल रियर कैमरा है और हालांकि ये पॉलीकार्बोनेट है लेकिन फिर भी ग्लॉसी फिनिश है काफ़ी। आप लोग देख सकते हैं कि इसमें मेरा चेहरा भी आ रहा है पीछे। और पीछे नीचे 3.5 mm का जैक और माइक्रो USB का चार्जिंग पोर्ट और इन डिस्प्ले कैमरा और उसके बाद में इधर वॉल्यूम ब्रोकर्स पावर ऑन ऑफ बटन। सो जल्दी से इसको बूट करते हैं और आपको दिखाते हैं किस तरीके की इसकी डिस्प्ले होने वाली है। और ये आता है फ्रंट टच ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ में। और ये आप लोग देख रहे हैं जो डिस्प्ले के अंदर आपको पंच होल कैमरा मिल रहा है डिस्प्ले के बीच में, इसे कहते हैं इन डिस्प्ले कैमरा। सो गाइज अभी इसको हम सेटअप करते हैं और बाकी का जो भी एक्सपीरियंस है वो आपको मैं अब बताऊंगा अगले वीडियो में जब इसको यूज़ कर लूँगा कुछ दिन के बाद। अभी मैं इसको अपना जो सेटअप है वो करूँगा और उसके बाद में इसको ऑन करके देखूंगा किस तरीके की ये फ़ोन होने वाला है। सो गाइज इस वीडियो में इतना ही और अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना गाइज। और ये न्यू स्मार्टफोन मैंने अभी जो मंगाया था वीवो का Z1 Pro, मुझे तो काफ़ी अमेजिंग लग रहा है। इसका कलर भी और कलर कॉम्बिनेशन ऊपर हल्का सा ग्रीन और नीचे ब्लू कलर में बहुत ही अमेजिंग ये फ़ोन लगने वाला है। और इसकी डिस्प्ले भी काफ़ी अच्छी लग रही है मुझे, काफ़ी कम बेजल्स देखने को मिल रहे हैं आपको। आगे का जो एक्सपीरियंस है वो आपको मैं बताऊंगा इस फ़ोन को कुछ दिन यूज़ करने के बाद में कैसा रहता है। और अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। और अगर आपको ये फ़ोन परचेज करना है तो आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, आप परचेज कर सकते हैं। और ये जो वेरिएंट था मैं आपको बताना भूल गया, ये 4GB 64GB है जिसका कि प्राइस आप लोग इंटरनेट पर चेक कर लेना। सो गाइज ये इस वीडियो का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये मेरा जो फ़ोन है वो मैंने यूट्यूब के पैसों से नहीं मंगाया है, बिकॉज अभी तक मेरी यूट्यूब की पहली पेमेंट नहीं आई है। ये ओनली एक क्लिक बेट थंबनेल था, आपको मैं बता दूँ, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। और गाइज आपको बता दूँ कि ये फ़ोन को मंगाने का पर्पज़ यही था कि अभी आप लोग मेरी वीडियो क्वालिटी देख रहे होंगे काफ़ी अच्छी नहीं लग रही होगी, और इस फ़ोन के रियर और फ्रंट कैमरे से आगे के आने वाले जो भी वीडियोस और ब्लॉग्स हैं वो आपको देखने को मिलने वाले हैं, जिसकी क्वालिटी मेरी कोशिश आएगी कि काफ़ी अच्छी हो और आपको देखने में भी मज़ा आए। सो गाइज इसीलिए ये फ़ोन को मैंने मंगाया। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपको ये फ़ोन कैसा लगा, और अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और आगे ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।